जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाली कोल्ड कॉफ़ी घर पर ही। तो चलिए आपके साथ ही मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने पाउचेस ले लिए हैं, आप चाहो तो बोतल से भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास पाउच ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कम ही यूज़ करते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने 5 पैकेट कॉफ़ी के पाउचेस ओपन कर लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार ताकि और अपने फ्लेवर जितना आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देख सकते कॉफ़ी ले लिया, साथ में मैंने चीनी लिया, साथ चीनी भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया, ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है हमें, हल्का सा यूज़ करना है। और आज मैं इसे हाथ से ब्लेंड नहीं करने वाली, तो मैंने मशीन में सिर्फ एक ही कनेक्ट किया, दूसरा इसका पेयर नहीं कनेक्ट किया है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। तो ये मेरी आइसिंग वाली मशीन है, इससे मैं घी भी बनाती हूँ, बहुत सारे काम में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको फेंट रही थी, लेकिन इससे क्या स्प्रेड हो रहा था बाहर, बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो किचन ख़राब हो रही थी, क्योंकि इसको थोड़े औड़े बर्तन की मतलब गहरे बर्तन की ज़रूरत थी। तो मेरे पास इतना छोटा गहरा बर्तन तो कोई था नहीं, तो फिर मैंने ग्लास के अंदर इसको ब्लेंड किया। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी ब्लेंड हो गई थी। तो आप चाहो तो इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है, हाथ से भी कर सकते हो, हाथ से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी थिकनेस के साथ मेरा इतना ज़्यादा पेस्ट रेडी तैयार हो चुका है। अब मैं बिल्कुल इनको मार्केट का ही टेस्ट देने वाली हूँ, दिखने में भी तो बिल्कुल मार्केट के जैसा लगना चाहिए। इसके लिए मैंने सारे 3 ग्लासेस को अच्छे से चॉकलेट सिरप के साथ इस तरीके से कोटेड कर लेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने इस तरीके से सारे ग्लासेस को रेडी कर लिया है, अब बारी है इसके अंदर। मेरे पास आइस नहीं है, क्योंकि मैं बच्चे दोनों फ्रिज खोल लेते हैं और फिर आइस से खेलते हैं, इस वजह से मैं फ्रिज में आइस नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने एकदम चिल्ड वाला दूध लिया है, जो कि मैंने फ्रिज से अभी निकाला था, उसी दूध को डाला है। दूध आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर फेंटी हुई कॉफ़ी डाल दी। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है और उसका फॉर्म कितना अच्छा डेवलप हुआ है, देख सकते हो बिल्कुल मार्केट के जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे प्ली शानवी ने, जो कि उसको तो मुंह में सिर्फ कॉफ़ी कॉफ़ी गई, तो उसको फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो ये हस्बैंड को दे दी है मैंने कॉफ़ी, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। और यहाँ पे दी है शान भव्या को, तो भव जो हस्बैंड के लिए ग्लास दिया था क्योंकि वो कांच का ग्लास था, तो भव्या ने ले लिया है। और भव्या का देखिए रिव्यू, उसको तो पसंद आया थी, अटरम सटरम चीज़ें सबको पसंद आ जाती हैं, हस्बैंड ने ही बोला है कि अच्छी बनी हुई है। और फाइनली अब मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी लगी कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो बस इतना ही।